हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। भोजपुरी के स्टार रवि किशन भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री में लंबे वक्त तक काम कर चुकी हों, राजनेता बन चुकी हों, लेकिन हिंदी इंडस्ट्री में भी इनकी जो चर्चा है वो ज़रूर होती है। हिंदी टेलीविजन, हिंदी फिल्मों में भी ये नज़र आ चुके हैं और साथ ही हाल में ही एक इंटरव्यू के दौरान रवि किशन ने सलमान खान को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल रवि किशन ने बताया है कि आखिर सलमान खान के साथ वो क्यों दूरियां बना करके रखते थे और कैसे तेरे नाम में उन्होंने सलमान से दूरी बनाई, इसकी क्या वजह थी। सोशल मीडिया पर रवि किशन का ये इंटरव्यू काफी पॉपुलर हो रहा है। क्या कुछ कहा है रवि किशन ने इस इंटरव्यू में, देखिए। सलमान खान की फिल्म तेरे नाम सुपर हिट हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने शानदार एक्टिंग की थी, इमोशंस देखकर लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। फिल्म की शुरुआत में सलमान खान गुंडे जैसे दिखाई दे रहे थे, इसकी वजह से उनका किरदार कबीर सिंह जैसा लगता था। इस फिल्म में सलमान खान के साथ रवि किशन ने भी काम किया था। रवि किशन ने हाल में ही इंटरव्यू दिया जिसमें सलमान के साथ काम के एक्सपीरियंस को लेकर उन्होंने कई बातें शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों सलमान से वो सेट पर दूर ही रहा करते थे। एक खास बातचीत में रवि किशन ने सलमान खान के बिहेवियर को लेकर बात कही है। सलमान खान के ऊपर रवि किशन ने कहा कि आर्टिस्ट ज्यादातर मूडी होता है। जब मुझे लगता है कि मेरी को स्टार के साथ बीट मैच नहीं कर रही है तो मैं उन्हें स्पेस देता हूं। रवि किशन ने सलमान खान से दूर रहने के पीछे की वजह बताई। उन्होंने कहा कि तेरे नाम के सेट पर मैं सलमान को स्पेस देता था। राधे का किरदार बहुत इंटेंस था, सतीश कौशिक जी जैसा चाहते थे सलमान खान भी अपने किरदार में खोए रहते थे, मैं उनसे सेट से दूर रहता था। रवि किशन ने कहा कि जब शूटिंग खत्म हो जाती थी तो सलमान से मिलते थे और आखिरकार दोनों दोस्त बन गए। काम खत्म करने के बाद दोनों डिनर पर जाते थे, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे जिससे उनकी दोस्ती मजबूत हुई। रवि किशन ने कहा कि वो और सलमान दोनों ही बांद्रा से हैं। बचपन में सलमान के भाई सोहेल और रवि किशन दोस्त हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि वो मुझे जानते थे लेकिन मैं स्टार नहीं था और वो उस वक्त सुपरस्टार थे।